दोस्तों हमारे कुछ व्यूअर्स ने हमसे ये पूछा है कि फेसबुक पर 1000 व्यूज में कितने डॉलर मिलते हैं या फिर $1 अर्निंग करने के लिए कितने व्यूज आने चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में आप लोगों को प्रूफ के साथ दिखाएंगे। तो चलिए अपने लैपटॉप स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि 1000 व्यूज पर फेसबुक पर कितने डॉलर मिलते हैं। तो दोस्तों मैं आ गया हूं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर और मैंने क्रोम ब्राउज़र में फेसबुक का क्रिएटर स्टूडियो ओपन कर लिया है और अपने फेसबुक अकाउंट से लॉगिन भी कर लिया है। ये हमारा फेसबुक पेज है अजहर साबरी के नाम से, जो मोनेटाइज्ड है। और इसी पेज पर हम आपको अर्निंग प्रूफ दिखाएंगे कि 1000 व्यूज़ में कितने डॉलर या फिर $1 बनाने में कितने व्यूज़ चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे इनसाइट में और इनसाइट में जाने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन होता है अर्निंग्स, अर्निंग्स पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम डेट सिलेक्ट कर लेते हैं, तो चलिए सिर्फ और सिर्फ दिसंबर का ही देख लेते हैं। तो 1 से 31 दिसंबर हमने यहाँ पे डेट सिलेक्ट कर लिया है। अब डेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दिसंबर में $21.76 की अर्निंग हुई है और ये जो अर्निंग हुई है ये इन स्ट्रीम एड्स से हुई है। अब यहाँ पर आप देखेंगे मोनेटाइजेबल व्यू आरपीएम, तो ये व्यू आरपीएम जो है ना ये है $0.27। आरपीएम का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि 1000 व्यूज़ पर कितने डॉलर मिलेंगे। तो यहाँ पर $0.27 1000 व्यूज़ में मिल रहे हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे ये है मोनेटाइजेबल 1 मिनट वीडियोज़ व्यूज़, 77.9 के यानी कि लगभग 80,000 एक मिनट वाला वीडियो का व्यूज़ आया है जिस पर मोनेटाइजेशन रहा है या यूँ कहें कि ऐड चला है। ठीक है, यहाँ पे आप ग्राफ देख लेंगे तो ग्राफ में आपको दिखेगा यहाँ पे मोनेटाइजेबल 1 मिनट वीडियो व्यूज़ और यहाँ पर एक ग्राफ जो सबसे हाई है ये आप देख सकते हैं 38,192 मोनेटाइजेबल 1 मिनट वीडियो व्यूज़, इस तरह का ग्राफ है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे टॉप का वीडियोस है जिससे ज़्यादा अर्निंग हुई है वो यहाँ पे दिखाएगा आपको। तो ये वीडियो मैंने एक पब्लिश किया था एक बीजेपी के नेता के बारे में और यहाँ पर आप देख सकते हैं एड इम्प्रेशन 82,154 रहा है जिसका रेवेन्यू 21.20 बना है और एड सी पी एम 0.47 रहा है। एक और यहाँ पर वीडियो मैंने अपलोड किया था, इसमें आप देख सकते हैं 0.17 का रेवेन्यू बना है, एड इम्प्रेशन 392 है और एड सी पी एम जो रहा है वो 0.77 रहा है। नीचे आप देख सकते हैं एक और वीडियो है 0.14 का रेवेन्यू बना है, 534 एड इम्प्रेशन रहा है और 0.49 का एड सी पी एम रहा है। इसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मैंने एक हिस्ट्री पर वीडियो बनाया था औरंगजेब बादशाह के बारे में, तो 0.09 का रेवेन्यू बना है, एड इम्प्रेशन 145 रहा है और एड सी पी एम 1.17 रहा है। तो यहाँ पे ऐड सी पी एम वीडियो के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। पॉलिटिक्स पर वीडियो है तो उसका सी पी एम अलग है, हिस्ट्री पर वीडियो है तो उस पर सी पी एम अलग है और यहाँ पर आप देखेंगे एक और पॉलिटिक्स का ही वीडियो है लेकिन इसका सी पी एम अलग है। ये वीडियो आप देख सकते हैं 0.03 का रेवेन्यू आया है, 29 टोटल ऐड इम्प्रेशन पड़ा है और इसका जो सी पी एम रहा है वो 2.04। और यहाँ पर एक और देख लीजिए, ये हमने धानी कार्ड को लेकर के एक वीडियो बनाया था, इसका जो अर्निंग है ये है 0.02, एड इम्प्रेशन मात्र 3 है और एड का जो सी पी एम है वो 12.35 यानी कि 12.35। तो इससे एक चीज़ ये ज़रूर कहा जा सकता है कि 1000 व्यूज़ पे कितने डॉलर, ये सही सही कोई नहीं बता सकता। कई बार यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि 4-5 हज़ार व्यूज़ पे $1 बन रहे हैं क्योंकि उसका सी पी एम 0.47 है, जैसा कि आप इसके केस में देख सकते हैं। अगर हम इसे $20 मान लें और इसे ऐड इम्प्रेशन 80,000 मान लें तो 20×80 यानी कि 4,000 ऐड इम्प्रेशन पे $1 है ना। तो उसी हिसाब से अगर हम इसे देख लें, ये वाला 12.35 का सी पी एम है यानी कि $12 1000 व्यूज़ पे यहाँ पे मिलते, तो ये जो 3 है ना 3 के जगह पे यहाँ पे 1000 ऐड इम्प्रेशन अगर आते तो हमें $12.35 मिलते जो कि बहुत ही ज़्यादा या बहुत ही अच्छा अर्निंग बनता, अच्छा रेवेन्यू बनता। तो यहाँ पे एग्जैक्टली बिल्कुल भी कोई नहीं कह सकता कि 1000 व्यूज़ में कितने अर्निंग होंगे और 1000 व्यूज़ में हम कितना कमा सकते हैं, कोई एग्जैक्टली नहीं कह सकता। और कोई ये भी नहीं कह सकता
कि $1 अर्निंग करने के लिए कितने व्यूज फेसबुक पर या फेसबुक पेज पर लाना पड़ेगा, क्योंकि ये बिल्कुल भी डिफाइंड नहीं है। ये डिपेंड करता है आपके वीडियो कैटेगरी के ऊपर, डिपेंड करता है एड सीपीएम के ऊपर, डिपेंड करता है कि एडवर्टाइजर कितना रेवेन्यू दे रहा है, इन सारी चीज़ों पर यह निर्भर करता है। अब मैं आपको इसी वीडियो का व्यूज़ दिखाता हूँ, क्योंकि कई लोगों को भ्रम होता है कि ज़्यादा व्यूज़ आएंगे तो फेसबुक पर भी बहुत ज़्यादा अर्निंग होगा। तो इस वीडियो का पता है व्यूज़ कितना है? 1 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ आया है इसका। 1 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ वाले वीडियो पर मात्र 21.20 की अर्निंग हुई है। अब मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ। तो वीडियो देखने के लिए हम जाएंगे पब्लिश्ड में, पब्लिश्ड में जाने के बाद हम जाएंगे वीडियोज़ में, ठीक है। तो ये वीडियोज़ का लिस्ट ओपन होकर के आ गया है। अब मैं आपको वीडियोज़ दिखाता हूँ, ठीक है। ये रहा वो वीडियो, है ना, टेनी ने एबीपी के पत्रकार, ऐसे है ये वीडियो है। और इस पर आप जो देखेंगे ना, मैं दिखाता हूँ, ये है इम्प्रेशन। इम्प्रेशन है 13,13,834 और पीपुल का जो रिएक्शन है, पीपुल रीच डे, वो है 12,83,593। इंगेजमेंट आप देख सकते हैं, ये है 1,04,417 और आप रिएक्शन देखेंगे तो 73,316। लोगों ने कमेंट किया है 4,729 और शेयर किया है 26,372 और एस्टिमेटेड रेवेन्यू जो बना है वो 21.20। एड सीपीएम जो रहा है वो 0.47। एड इम्प्रेशन जो रहा है वो 82,154, ठीक है। तो ये सारा डिटेल है। तो 1 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ इस वीडियो पर आए हैं, जिसका रेवेन्यू मात्र $21 बना है। तो व्यूज़ के अकॉर्डिंग भी कोई नहीं कह सकता कि कितने व्यूज़ पर फेसबुक पेज या अकाउंट पर कितने डॉलर मिलेंगे, या फिर कितने मिनट की वीडियोज़ या कितना मिनट वीडियो देखे जाने के बाद $1 बनेंगे। ये ठीक ठीक तरीके से कोई भी नहीं कह सकता, क्योंकि आपने यहाँ पे देखा बहुत ज़्यादा फर्क है एड सीपीएम का, और एड सीपीएम का फ़र्क है मतलब कि रेवेन्यू जो अर्न करते हैं उसमें भी बहुत फर्क देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये आपने देखा, यानी कि फेसबुक पर सही सही तरीके से कोई ये नहीं बता सकता कि 1,000 व्यूज में कितने डॉलर बनते हैं। कई बार 5,000 व्यूज पे भी $1 बन जा रहे हैं, कई बार 1,000 व्यूज पर भी $1 बन जा रहे हैं, और कई बार 10,000 व्यूज पर भी $1 बन जा रहे हैं। यानी कि सीधे सीधे तौर पर फेसबुक पर 1,000 व्यूज में कितने डॉलर बनते हैं ये कोई नहीं बता सकता, क्योंकि अलग अलग तरह के वीडियोज का अलग अलग सीपीएम रेट है और उसी सीपीएम रेट के हिसाब से रेवेन्यू बनता है। दूसरी चीज कि यूट्यूब की तरह फेसबुक बिल्कुल भी नहीं है। यूट्यूब की तरह अगर हम फेसबुक से अर्निंग एक्सपेक्ट करें तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि फेसबुक फेसबुक है और यूट्यूब यूट्यूब है। यूट्यूब के टक्कर में फेसबुक अभी दूर दूर तक नहीं है, यहां तक कि अर्निंग के मामले में भी यूट्यूब के टक्कर में फेसबुक दूर दूर तक नहीं है। हाँ, आने वाले समय में हो सकता है कि फेसबुक यूट्यूब का कंपटीटर बने, लेकिन अभी फिलहाल यूट्यूब का कंपटीटर कोई भी नहीं है, यहां तक कि फेसबुक भी नहीं। तो अगर आप ये सोच करके काम करते हैं कि जितना हम यूट्यूब पर रेवेन्यू बना लेंगे उतना ही फेसबुक पर भी बनेगा, तो ये आपका सोच गलत हो सकता है। हाँ, यूट्यूब के साथ साथ फेसबुक से भी कुछ रेवेन्यू आ जाए तो ये एक अच्छी बात होगी, लेकिन यूट्यूब के जितना ही रेवेन्यू आए तो ये अभी संभव नहीं है। बहरहाल अभी जो फेसबुक पर अर्निंग हो रहा है वो आपने प्रूफ के साथ यहां पर देखा। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और इसी तरह के वीडियोज के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें।